सज्जन कुमार दी जमानत पटीशन हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट विच लगाई गई सी जमानत ली पटीशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए एचएस फूलका हुए सन पेश। ट्वीट करके एचएस फूलका ने दी जानकारी। मेडिकल ग्राउंड नू आधार मान के मंगी सी जमानत। मेडिकल रिपोर्ट हस्पताल च भर्ती बारे नहीं कहंदी कोर्ट। सज्जन कुमार दे केस दे विच अज एक होर बड़ी महत्वपूर्ण गल हुई, जिथे कि सज्जन कुमार दी बेल दी एप्लीकेशन तां उन्होंने डिसमिस कीती, पर नाल ही जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जरवेशन दित्तियां, जो उहदे नाल दूजा मुलजम सी बलबन खोखड़, जो उम्र कैद की सज़ा वह भी भुगत रहा, उस ते ने परोल मंगी सी। और परोल दे विच सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि तू यू आर सेफर इनसाइड जेल दैन आउटसाइड, मतलब कि जेल दे विच तू ज़्यादा सुरक्षित आ जेल दे बाहर नालों। अजकल आम तौर के उत्ते जिहड़े मुलजम ये हुण करोना का बहाना ला ला के जिहड़े अपनी बेल दई जां अपनी परोल वास्ते अपलाई कर रहे हैं, सारिआं दे वास्ते ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जरवेशन आ जिहड़ी वह एक तरह के और सारिआं दे उत्ते अपलाई करेगी कि जेल दे विच तां करोना दे केस नहीं हन ते बाहर ने, तां ये उन्हां सारिआं नूं इस चीज़ का असर होएगा। तो सज्जन कुमार बहुत देर तो ट्राई कर रहा जमानत की, पांच छे बारी पहला ये कोशिश कर चुकिया कि मेरा भार बहुत घट गया और मैनू जमानत मिलनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हों अजे तक कोई जमानत नहीं दी। वो जेल चा उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा, जुलाई में उसकी अपील की पेशी लगाती, नाल दी नाल जिहड़ी बलबन खोखर ते नाल महेंद्र यादव असैंबली की एप्लीकेशन से वो भी डिसमिस कर।